वेलकम टू चौधरी मोबाइल जोन पाक पतन। अजय कीपैड फ़ोन आया है बिल्कुल डेड कंडीशन में, अभी आपको चेक भी करवाऊंगा इसमें फॉल्ट क्या है। सबसे पहले इसकी मैं आपको हालत दिखा देता हूँ। ये देखें इसकी कैन वगैरह उतरी हुई है, किसी ने इसका आईसी रिबॉल भी किया है, चेंज भी किया हुआ लग रहा है, ऊपर काफ़ी सारी पेस्ट लगी हुई है। ये देखें सारा डेड कंडीशन में आया है, ये देखो काफ़ी सारी पेस्ट इसके ऊपर जमी हुई है। तो आज इसका हल निकालेंगे इंशाल्लाह कि ये फॉल्ट किधर से आता है और क्यों आता है। सबसे पहले आपको डीसी पावर सप्लाई पे इसको चेक करवाता हूँ। मोस्टली ये सेट इसी फॉल्ट में डेड होते हैं। देखो जैसे इसको ऑन करते हैं साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 59 यानी 59 पर ये स्टक हो गया। एक बार फिर इसको उतार के फिर लगा के चेक करवाते हैं। देखो जैसे इसको ऑन करते हैं 60 है, ये 59 फिर हो गया। ये इधर स्टक रहता है जितनी देर मर्जी इसको लगा रहे मैंने। ये मोस्टली मैंने और भी 3-4 वीडियो नेट में अपने चैनल पर डाली हुई हैं, ज़्यादातर ये फॉल्ट इन चीज़ों से नहीं आता। अगर इस तरह का फॉल्ट हो पावर आईसी से भी नहीं होता, 90% पावर आईसी से नहीं होता। तो अभी इसको ट्रेसेंगे, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, फॉल्ट ट्रेसेंगे और हल करेंगे इंशाल्लाह कि ये किधर से फॉल्ट आता है और इसको बासानी कैसे हम हल कर सकेंगे। मीटर को बजर मोड पे हमने सेट किया, हमने सब कैप की वैल्यू चेक करनी है कि इनमें से कोई शॉर्ट तो नहीं है। 90% ये कैप शॉर्ट होने की वजह से ही ये स्टक हो जाता है। जितने भी कीपैड फ़ोन है चाइनीज़ फ़ोन, सबको हम अलग अलग करके चेक करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट लगते हैं, पूरा बोर्ड हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। मेन ये कैप ये देखें, अभी तक तो कोई कैप शॉर्ट नहीं शो हो रहा, ना सिग्नल आईसी के पास ना पावर आईसी के पास। अच्छी तरह से हमने एक एक करके चेक कर लेना है। पावर आईसी निकालने से पहले, रिबॉल करने से पहले इस तरह का कोई फॉल्ट होए उसको हमने कैसे ऐसी तरह से चेक करना है, चाहे वो टच फ़ोन हो चाहे फिर कीपैड फ़ोन हो। ये देखें इसके साउंड आईसी के पास भी हम इसको चेक करते हैं, इधर कुछ शॉर्टेज शो हो रही है शायद, दूसरा चेक करते हैं, इधर नहीं है, इधर फिर चेक करते हैं। ये देखो नहीं, ये भी ठीक है, तो ये दूसरे कैप के साथ टच हो रहा था इसलिए शॉर्ट शो हो रहा था, लेकिन ये ठीक है, बिल्कुल ओके है, ये ठीक रीडिंग दे रहा है। बार बार इसलिए मैंने चेक किया ताकि तसल्ली हो जाए। बैक साइड तो बिल्कुल क्लियर है, अभी फ्रंट साइड पे भी हम चेक करते हैं, काफ़ी कैप फ्रंट साइड पे भी लगे होते हैं। ये वी बैट वाले चार्जिंग आईसी वाले सब कैप हमने अलग अलग चेक करने हैं। इस तरह से हम शॉर्टेज चेक करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखो हम इसको भी चेक कर रहे हैं बिल्कुल आसानी से, इस तरह हमने सब कैप को सली से चेक करना है। देखो इधर भी चेक हो गया, कोई भी शॉर्टेज नहीं है, ये कैप शॉर्ट शो कर रहा था। अभी मज़ीद आगे भी हम चेक कर लेते हैं, ये देखो ये ओके हो गया, इधर भी थोड़ा सा जंग लगा, इधर भी चेक कर लेते हैं, अभी तक तो ओके है। ये इधर शॉर्ट शो कर रहा है, ये देखो ये दोनों साइड पे बीप शो कर रहा है, मतलब ये कैप शॉर्ट है। ये वाला शॉर्ट शो कर रहा है। अभी मज़ीद इसकी तसल्ली के लिए हम एक बार फिर चेक कर लेते हैं,
ये देखो इधर भी शॉर्ट है, ये इधर भी शॉर्ट शो कर रहा है। अभी इसका और एक हल है, इसको निकालते हैं बाहर। ये उतर गया, अभी इसको फिर मज़ीद चेक करते हैं क्या है कि यही कैप शॉर्ट है या और भी हमें ट्रेसना पड़ेगा। इधर बाहर निकाल के भी हम इसको चेक करेंगे दोनों साइड से प्रॉब्लम आके। छोटा सा इसलिए नहीं, देखो ये देखो ये बीप शो कर रहा है, मतलब ये कैप बिल्कुल शॉर्ट है। अभी इसको साइड पे करते हैं और मोबाइल को एक बार ऑन करके हम चेक करते हैं इसका जो फॉल्ट था वो हल हो गया या नहीं। अभी ये पावर आईसी चेंज करने से, रिबॉल करने से पहले आपने ऐसे सब बोर्ड को चेक करना है। ये देखो देखो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल ऑन हो गया, इसकी रीडिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसको फुल ऑन करते हैं, रीडिंग नॉर्मल है, कोई शॉर्टेज भी नहीं है और बिल्कुल ओके अल्हम्दुलिल्लाह 100% ऑन भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।